आ चुका है इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो 5G। जी हाँ, आज इंडिया में लॉन्च हुआ है और काफ़ी सारे वर्ल्ड्स फर्स्ट वाले आपको फीचर मिलते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर जो चार्जिंग सॉल्यूशंस उन्होंने यहाँ पर लेके आया है, डेडिकेटेड आपको जो चिप दिया है, बहुत ही कमाल की, उसके बारे में आज आपको डिटेल में बताएंगे। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, फटाफट से यहाँ पर इसको अनबॉक्स करते हैं। देखेंगे लिखा है टेक चार्ज और बॉक्स में ये तो बहुत ही कूल है। अगर आप देखो कि चीता एक्स1 यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी कूल लग रहा है। फटाफट से यहाँ पर देखेंगे बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है। तो ये देखेंगे नोट 40 प्रो, पहले आपको ये रिटेल बॉक्स मिलता है, इसको साइड में रखते हैं। ये है मैक पावर, याद होगा जो आईफोन्स को हम चार्ज करते थे मैक सेफ, ये कुछ वैसी है जो इस फोन में काम करता है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर ये उसका छोटा भाई है मैक पैड। अब इनको रखते हैं साइड के अंदर, आते सीधा फोन की तरफ और देखते हैं कि आपको बॉक्स में यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले आपको आपका फोन मिलता है, उसके बाद आपको मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, अक्सर इन्फिनिक्स के फोन्स में लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से हम उसको बाहर निकालते हैं। एक 45 वॉट का आपको अडैप्टर मिलता है, आपको एक टाइप सी केबल देखने को मिलता है, सिम इजेक्टर पिन है, कुछ स्टिकर्स कागजात, और उसी के साथ आपको ये एक मैक, क्या बोलते हैं साहब इसको, मैक केस आपको यहाँ पर मिलता है, और ये भी लेदर डिज़ाइन के साथ है। और ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करते हैं। सीधे आते हैं हमारे फ़ोन की तरफ। एक चीज़ तो बताना भूल ही गया था, आपको कर्व्ड स्क्रीन गार्ड भी यहाँ पर दिया है, एकदम हार्ड क्वालिटी का, वाह। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे ये जो वेरिएंट हमारे पास है ये लेदर बैक है, आपको इसमें ग्लास वेरिएंट भी मिलता है। जो ग्लास वाला है वो सिटीस्केप गोल्डन कलर के साथ है, ये जो कलर हमारे पास है ये विंटेज ग्रीन है, आपको लेदर के साथ है, पीछे कर्व्ड एजेस भी है, तो ग्रिप आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा। और एक चीज़ जब मैंने फ़ोन को बॉक्स से निकाला तो वो मैंने नोटिस किया, इसका जो वेट और थिकनेस है वो बहुत अच्छा है, 8.09 mm की थिकनेस और 190 grams का है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इन हैंड फील आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आपको डुअल स्पीकर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, डुअल माइक है, टाइप सी पोर्ट है, डुअल सिम सब कुछ मिलता है। और फ्रेम्स जो आपको मिलते हैं वो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट के मिलते हैं, आयर ब्लास्टर भी आपको ऊपर की तरफ मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी दिया है, हैप्टिक्स आपको फोन में अलग अलग जगहों पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, उस मामले में भी यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। उसके अलावा आपको पीछे की तरफ यहाँ पर हेलो लाइट मिलती है, ये AI के जरिए काम करता है, ये सेगमेंट्स फर्स्ट है। अलग अलग कलर्स में आपको यहाँ पर लाइट मिलती है और आपको एक AI का ऑप्शन भी मिलता है जो आपके हैबिट्स से यहाँ पर काम करता है। ऑटोमेटिकली अगर आपने फ़ोन को फेस डाउन कर दिया तो वो पीछे से लाइट जो अगर मैसेज आता है या कॉल आता है तो वो लिट करती है, आपने गेम खेला तो वो लाइट लिट करेगी, म्यूजिक के वक्त वो पार्टी मोड में चला जाता है। इनका खुद का आपको AI असिस्टेंट मिलता है जिसका नाम है फॉलेक्स, और आप जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, आईफोन का सीरी है, ये कुछ उस तरीके से काम करता है, आपके सवालों के जवाब देता है। आपको चार्जिंग पे लगाना तो वो लाइट ब्लिंक करती है अलग अलग कलर्स के अंदर। तो इस तरीके से आपको जो हेलो लाइट मिलती है वो सेगमेंट की पहली है जो इस फोन में देखने को आपको मिलती है। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है और 45 वोल्ट चार्जर आपको बॉक्स में दिया गया है, इससे लगभग 45 मिनट्स लगेगा इसको फुल चार्ज करने में, डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये PD3 सपोर्ट करता है चार्जर, तो यूनिवर्सल चार्जर है, अब थर्ड पार्टी डिवाइसेस को भी यहाँ पर इस चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। बाकी बैटरी हमने पूरा अभी डिटेल टेस्ट किया नहीं, रिव्यू के लिए हमने इसको छोड़ा है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फीचर्स जो आपको चार्जिंग सॉल्यूशंस में मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो यहाँ पर आपको इसमें इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पावर मैनेजमेंट चिप मिलता है जो कि है चीता X1 चिप, जो आपको अलग से यहां पर दिया गया है इस फोन के अंदर, और वो आपको अलग अलग हेल्प करती है। 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, फास्ट चार्जिंग हो, मल्टी चार्जिंग हो, वायरलेस चार्जिंग हो, 63 स्टैंडर्ड्स भी दिया है सपोर्ट के, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो इस चिपसेट यहाँ पर लेके आई है। उसी के साथ यहाँ पर आपको 3 अलग अलग डायनामिक चार्जिंग मोड्स भी मिलते हैं। एक आपको मिलता है हाइपर चार्ज, यहाँ पर आप अपने फ़ोन को बहुत फास्ट चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि अगर नोट 40 प्रो की बात करूँ तो ये 19 मिनट्स के अंदर 50% जो वो चार्ज हो जाता है, लेकिन इस पर फोन थोड़ा सा गर्म हो सकता है। फिर आपको एक स्मार्ट चार्ज मिलता है जो कि 26 मिनट्स में 50% चार्ज कर लेता है। फिर आपको यहाँ पर एक लो टेम्परेचर चार्जिंग मोड मिलता है, ये आपके फ़ोन के टेम्परेचर को नीचे लेके आता है और चार्जिंग थोड़ी स्लो करता है, ये ज़्यादातर अगर आप नाइट में फ़ोन को लगाकर छोड़ देते उस समय मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से काम करेगा। लेकिन जो नोट 40 प्रो प्लस है उसमें 100 वॉट की आपको चार्जिंग मिलती है, तो वहाँ पर चार्जिंग की स्पीड आपको थोड़ी और भी ज़्यादा मिलेगी। अब ये वर्ल्ड का पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन है जिसमें आपको वायरलेस मैग्नेटिक चार्जिंग सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि इसमें वैसे तो फ़ोन में आपको मैक्स 20 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, और पीछे जो हमने मैक केस यहाँ पर जो लगाया है इसके ऊपर आप यहाँ पर ये मैक पावर को
मैग्नेटिकली अटैच करके इसको वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, अब ये जो मैक पावर है ये अपने आप में एक पावर बैंक है। इसमें आपको 3000 एमएच की बैटरी मिलती है, टाइप सी पोर्ट दिया है चार्ज करने के लिए, काफ़ी लाइट और स्लिम है, और साथ में ये ईपीपी प्रोटोकॉल और क्यूआई का आपको चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल है। हमने इसको आईफोन में भी टेस्ट किया तो उसमें भी काम करता है इस फोन के अलावा। अब जो वायरलेस सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैंने इस तरीके से लगा दिया और मैं बाहर जाकर कोई फोन पे बात कर रहा है, अचानक से उसकी बैटरी ड्रेन हो गई तो क्या करेगा? उसको फिर घर पे जाना पड़ेगा, चार्जर पे लगाना पड़ेगा, या अगर उसके पास पावर बैंक उसने कैरी किया है जो काफी हैवी होता है वो लगाना पड़ता है और उसके बाद उसको चार्जिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या है कि आपके फोन के पीछे इस तरीके से अटैच्ड ही रहेगा, आप कितना भी बात करो फोन की बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, बैटरी ड्रेन भी नहीं होगी और आपका सारा काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्यूशन है जो आपको यहां पर मिलता है। बाकी साथ में आपको एक मैक पैड भी दिया गया है, ये भी कुछ वैसी लेकिन ये टाइप सी पोर्ट के जरिए काम करता है। तो ये कुछ इस तरीके से जो चार्जिंग सॉल्यूशन यहां पर लेके आया है एंड्रॉइड के अंदर, ये आपको काफी कमाल का मिलता है। साथ ही साथ आपको उसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, मैक्सिमम 10 वॉट का सपोर्ट है। अगर आपको वायरलेसली किसी फोन को या कोई भी एक्सेसरीज को चार्ज करना है इमरजेंसी में, किसी भी फोन की बैटरी एकदम अचानक से 0% हो गई, तो ये फोन क्या करता है, आपको उसके पीछे वो फोन को अटैच करना है, लेकिन ऊपर से आके नोटिफिकेशन पैनल में उस ऑप्शन को रिवर्स चार्जिंग को ऑन करना है, उसके बाद जाकर ये काम करेगा। वायरलेसली आप अपने कोई भी दूसरे डिवाइसेस को या एक्सेसरीज को चार्ज कर सकते हैं। बाकी इसमें रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट मिलता है और साथ में बाईपास चार्जिंग भी है। तो ये बेसिकली मदरबोर्ड में पावर भेजता है आपकी बैटरी के अलावा, जिससे आपकी फोन जब आप यूज करते गेमिंग के दौरान तो आपकी फोन को ज्यादा हीट नहीं करता है। और एक्सट्रीम कोल्ड चार्जिंग भी आपको मिलता है, अगर आप बहुत ऐसी कोल्ड कंडीशन में चले जाते हैं जिसमें माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, तो वहां पर भी ये फोन आसानी से चार्जिंग ले सकता है। एक और चीज ये भी है कि आपको इसमें स्मार्ट ओवरनाइट चार्जिंग वाला फीचर मिलता है जो AI के जरिए काम करता है। आपकी चार्जिंग की हैबिट के हिसाब से आपके फोन को ये ओवरनाइट चार्ज करेगा और साथ में आपको इसमें 1600 चार्ज साइकिल्स मिलते हैं, यानी कि 3-5 ईयर्स लॉन्ग लास्टिंग आप अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 70206 NM वाली चिपसेट है, जो कि एक 5G चिपसेट है। Android स्कोर इसका जो था वो 460,000 के आसपास, CPU टोटल कुछ 80% के आसपास, जो कि अच्छे स्कोर्स थे, बैलेंस्ड स्कोर्स मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। LPDDR4X UFS 2.2 आपको मिलता है, मल्टीटास्किंग, ऐप ओपन क्लोज सब कुछ बढ़िया था। हमने जितना भी फोन को यूज किया है काफी अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस दे रहा था। और यहाँ पर आपको थर्ड जनरेशन वेपर चैम्बर भी मिलता है जो पहले से 30% उन्होंने और भी लार्ज कर दिया है, तो थर्मल्स वगैरह को भी यहाँ पर उन्होंने काफी कोशिश करी है कंट्रोल करने की। बाकी हमने हाई एंड गेम्स खेला है, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेमिंग के लिए भी ये फोन काफी अच्छा है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.78 इंच की फुल HD प्लस की आपको यहाँ पर एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है, पंचोल सेंटर में चिन्ह बहुत कम आपको मिलता है। और ये दोस्तों सेगमेंट का पहला फोन है जो आपको 3D कर्व्ड के साथ 55 डिग्री एंगल कर्व्ड डिस्प्ले दिया, यानी कि जो कर्वनेस इसकी है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज की आपको इसमें हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, तो स्मूथनेस यहाँ पर लगी हुई है। और बाकी 1300 निट्स की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है, आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको यहाँ पर और इंडोर दोनों बहुत ही कमाल की थी, हमने अलग अलग एंगल से चेक किया। हम एक चीज में यहाँ पर क्लियर बोल सकता हूँ कि पैनल जो है उन्होंने काफी अच्छा इस्तेमाल किया है। बाकी लो ब्लू लाइट आपको सपोर्ट मिलता है, 10-bit वाली डिस्प्ले, तो शार्पनेस कलर्स वगैरह हमने सब कुछ वीडियो वगैरह देखा बहुत ही शार्प रहता है। और आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। ओवरऑल दोस्तों काफी प्रीमियम डिस्प्ले, अगर आप कर्व्ड डिस्प्ले के फैन है तो ये डिस्प्ले आपको बहुत ही एक्साइट करेगा। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इस बार उन्होंने ब्लोटवेयर बहुत ही कम दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर फोन को क्लीन करके दिया है। इनका पाम स्टोर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी फालतू के हमने थर्ड पार्टी एप्स यहाँ पर नहीं देखे। तो एड्स, नोटिफिकेशंस और ब्लोटवेयर के मामले में ये फोन बहुत अच्छा है और मुझे काफी अच्छा लगा कि इन्फिनिक्स ने ये फीडबैक लिया, जैसे कि उन्होंने अपने GT 10 प्रो के साथ किया था, यहाँ पर उन्होंने इसके साथ भी वैसे ही किया। तो आपको बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप पहले से इसको कंपेयर करते हैं। और ये एंड्रॉइड 14 के साथ ही आपको मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स XOS 14 चलता है, काफी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिलते हैं। आपको सेटिंग्स में एक ऑप्शन दिया है, उसमें जाकर आप मल्टीपल ऑप्शंस दिए, अगर आप अपने फोन को कस्टमाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 2 साल के ईयरली अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, अक्सर इन्फिनिक्स 1 साल का देता था, यहां पर उन्होंने अब 2 साल कर दिए, तो एंड्रॉइड 16 तक आपको इस फोन में अपडेट्स मिलेंगे और होपफुली यहां पर आपको जल्दी जल्दी अपडेट्स मिल जाए। बाकी उसी के साथ आपको उसमें कॉल रिकॉर्डिंग है, स्टॉक डायलर दिया है, अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो आप वो इजिली यहां पर कर सकते हैं। कैमरे की बात करते हैं, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है,
इसमें आपको OIS मिलता है और यहाँ पर आपको 2-2 मेगापिक्सल के अल्अलग से सेंसर दिए गए हैं। बाकी इसमें अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं है और आपको इसमें मैक्स 2K वीडियो मिलता है रियर में, 30 FPS पे काम करता है। और उसी के साथ आपको सेल्फी 32 मेगापिक्सल की मिलती है और यहाँ पर भी मैक्स 2K वीडियो मिलता है 30 FPS पे। आपको स्लो मोशन वीडियो भी मिलता है। क्वालिटी अगर आप देखेंगे शार्पनेस काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। रियर कैमरे के फोटोज भी यहाँ पर अच्छे हैं बट कुछ कुछ जगहों पर ठीक है, मतलब कुड हैव बीन बेटर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल जो फोटोज निकल कर आए, जो डायनामिक रेंज यहाँ पर है वो अच्छा निकल कर आया है। कलर्स वगैरह देखेंगे सब कुछ अच्छे हैं। सेल्फी भी देखेंगे तो यहाँ पर सेल्फी भी अच्छी, सेल्फी में भी डायनामिक रेंज मैं बोलूँगा थोड़ा ठीक है, इसको थोड़ा सा और काम करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर सेल्फी क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो वो अच्छी निकल कर आई है। वीडियो क्वालिटी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी है, स्टेबलाइजेशन अच्छी है, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो। बाकी गूगल ड्राइव की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको 5G है, डुअल सिम 5G सपोर्ट करता है, हमने चेक किया, 5G शो करता है, हमने डाउनलोड भी करके देखा, सब कुछ चेक किया, 5G का कोई प्रॉब्लम नहीं। वाइडबैंड L1 दिया गया है, ब्लूटूथ 5.2 है, वाईफाई 5 मिलता है, NFC और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। अब जाते जाते बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्राइस की, तो फिलहाल के लिए मुझे प्राइस नहीं पता है कि क्या प्राइस पर ये फोन लॉन्च हो रहा है, लेकिन प्री बुक के ऑफर्स मुझे यहाँ पर पता है। लॉन्च डे पर आपको काफ़ी बढ़िया ऑफर्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये जो मैक केस है ये और आपको मैक पावर दोनों बंडल्ड मिलेगा बॉक्स के अंदर, अगर आपने इसको फर्स्ट डे पर यहाँ पर प्री बुक किया है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको बता दो, दोनों की वैल्यू जो है वो 5,000 रुपये की है। ये जो आपको मैक पावर मिलता है ये 4,000 का है और ये जो मैक केस है ये आपको 1,000 का है। दोनों मिलाकर हो जाते हैं 5,000 और 5,000 का ये पूरा वर्थ जो है वो आपको पहले ही सेल में ऐसे ही बंडल करके बॉक्स में दे देंगे। तो अगर आपने इसको जल्दी ले लिया तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी, जो आपको चार्जिंग सोल्यूशन यहाँ पर है उसके लिए अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इतने ही दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इसका फुल रिव्यू तैयार कर रहे हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए Always keep smiling.